हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 13 मई 2022। आज भारतीय बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हमें देखने को मिला, जो कि स्टार्टिंग के आवर्स की अगर हम बात करें, मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका था। उसके बाद ठीक 2 बजे के आसपास से मार्केट के अंदर फिर से गिरावट हुआ एंड एंड होते होते थोड़ा बहुत नीचे आके डाउन में जाके आज क्लोजिंग गया। बट उसके साथ साथ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं आज के दिन पे बम्पर तेज़ी देखने को मिला। उनमें से एक है अदानी पावर। आप देख सकते हो कि आज 5% का पूरा अपर सर्किट लग गया। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, ताज्जब करने वाला तेज़ी था आज, करीबन 15% का तेज़ी, कोई छोटा मोटा तेज़ी नहीं था टाटा एलेक्सी की अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अंदर भी करीबन 5% का तेज़ी था। तो ऐसा क्या हुआ, किसकी बदौलत दोस्तों ये सारे शेयर में हमें इतना भारी भरकम तेज़ी देखने को मिला? तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ न्यूज़ के ऊपर। और सिर्फ ये नहीं, कुछ और भी शेयर्स है जो कि ये चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ आपके सामने है। तो देखिए, अदानी पावर, जिंदाल स्टील एंड पावर टू बी एडेड टू MSCI इंडिया इंडेक्स। उसके साथ साथ HDFC AMC रिमूव्ड। दोस्तों ये क्या है, MSCI इंडिया इंडेक्स क्या है? ये बेसिकली एक इंटरनेशनल या ग्लोबल इंडेक्स है। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, NSE हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ BSE हो गया, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक वैसे ही दोस्तों एक इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम है MSCI। इसका फुल नेम है दोस्तों मॉर्गन एंड स्टनली कैपिटल इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे कुछ शेयर्स को, टोटल 4 शेयर को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। एक हो गया आपका अदानी पावर, दूसरा हो गया जिंदाल स्टील, उसके साथ साथ टाटा एलेक्सी, उसके साथ साथ दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूज़ मैं आपको सामने दिखाता हूँ। उसके बाद और भी बहुत सारे शेयर्स हैं अलग अलग इंडेक्स में ऐड किया जाएगा। तो देखिए, मॉर्गन एंड स्टनली कैपिटल इंटरनेशनल यानी MSCI इंडेक्स में यहाँ पे ऐड होगा अदानी पावर, उसके साथ साथ जिंदाल स्टील एंड पावर, उसके साथ साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, साथ साथ टाटा एलेक्सी। ये सारे दोस्तों MSCI इंडिया इंडेक्स में ऐड होगा आफ्टर द सेमी एनुअल रिव्यू, ठीक है, 2022। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ शेयर्स, जैसे कि HDFC AMC, तो ये सारे शेयर दोस्तों आउट परफॉर्म है, जिस वजह से हमें लगातार इसके अंदर, मतलब बोल सकते हो, गिरावट भी देखने को मिला। तो इसको दोस्तों हटा दिया जाएगा, मतलब इंडेक्स से आउट किया जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें कुछ और शेयर्स हैं जो उसके अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो देखिए, MSCI ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पे कुछ 44 इंडियन स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। उनमें से कुछ कुछ शेयर का यहाँ पे नाम दिया है, जैसे कि इजी ट्रिप पैलन, जो कि कुछ दिन पहले लास्ट ईयर पे हमने देखा था, इसका IPO आया था, उसके बाद से शेयर ने काफ़ी शानदार यहाँ पे रिटर्न भी कमा कर दिया। गो फैशन इंडिया, इसका भी IPO आया था, याद होगा आपको। उसके साथ साथ लेमन ट्री होटल, ये भी बहुत शानदार कंपनी है। महिंद्रा लाइफ स्पेयर, साथ साथ सेपायर फूड, इसका भी IPO आया था। उषा मार्टिन, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, साथ साथ PB फिनटेक एंड रेमॉन्ड। तो ये सारे शेयर और उसके साथ साथ टोटल 44 शेयर को यहाँ पे MSCI ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड किया जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों और भी कुछ शेयर है जो कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो नाम लिखा हुआ है बजाज कंज्यूमर केयर, साथ साथ LTTS लैर्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विस, उसके साथ साथ सोलारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल, वरुण बेवरेज, VBL। तो ये सारे शेयर दोस्तों ये कारण नहीं कि ये मतलब यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है, इसको और अपडेट किया जा रहा है। मतलब ये आप बोल सकते हो, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स से इसको मिड कैप इंडेक्स में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिस वजह से हमने देखा वरुण बेवरेज, LTTS, ये सारे शेयर को अपडेट किया जा रहा है, राइट। और उसके साथ साथ फ्यूचर रिटेल। तो दोस्तों, आपके दिमाग में अभी आया होगा कि ये इंडेक्स में यानी MSCI इंडेक्स में ऐड होने का क्या फ़ायदा है और इससे रिमूव होने का भी क्या नुकसान है। तो देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें, कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। बट हाँ, एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा है कि देखिए, शेयर के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज की डेट पे अगर कोई भी शेयर FNO सेगमेंट में ऐड होता है तो उसे क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आप उसको ट्रेड कर सकते हो अलग से, ठीक। वैसे ही दोस्तों, यहाँ पे जब ये शेयर भी MSCI इंडिया इंडेक्स, जो कि एक इंटरनेशनल इंडेक्स है, इसके यहाँ पे आ जाएगा, इसके इंक्लूडिंग हो जाएगा, तो डेफिनेटली जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं वो भी इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर ट्रेड कर सकता है। तो जिस वजह से कंपनी का जो मतलब शेयर का जो वॉल्यूम होगा हर रोज़ या डेली बेसिस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इंडिविजुअली हम बात करेंगे एक एक करके, ये शेयर जो यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, वो सारे शेयर को। सबसे पहले हम बात करेंगे अदानी पावर। सबसे अगर हम बात करें 5 दिन का, तो देखिए 5 दिन पे लगातार शेयर के अंदर गिरावट हुआ। इवन लास्ट डे भी हमने देखा था शेयर गिर चुका था, और लास्ट 3-4 दिन में शेयर करीबन 17.5% का गिर गया था। बहुत ही अनस्टेबल कंपनी है। इसके पहले भी मैं आपको बार बार बताया था कि कभी भी दोस्तों यहाँ पे अपर सर्किट या लोअर सर्किट चलने वाला शेयर से इग्नोर कीजिए। अब कंपनी का साइज़ देखिए कितना बड़ा,
1,00,000 करोड़ का। दोस्तों 1,00,000 करोड़ का एक कंपनी अपर सर्किट लोअर सर्किट में चल रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको इग्नोर करना ही बेटर होगा। अब देखिए, अगर आपके पास शेयर है अदानी पावर का तो उस केस में आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सेल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उतने में आपको बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए सही है, बट इसका वैल्यूएशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिस वजह से मैं आपको बार बार मना कर रहा हूँ कि इसके अंदर इग्नोर कीजिए। बाकी अगर आपको अदानी ग्रुप के अंदर कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करना है, मेरे ख्याल से दो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, एक हो गया आपके पास अदानी पोर्ट, दूसरा हो गया आपके लिए अदानी ग्रीन। तो ये दो ऑप्शन दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अदानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक हो गया अदानी ग्रीन, इसका भी वैल्यूएशन ज़्यादा है बट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का बिजनेस काफ़ी सॉलिड है, जिस वजह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें अदानी पोर्ट, तो ये शेयर दोस्तों पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपनी है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों, आप खुद प्रॉपर एनालाइज करना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा ग्रुप से, टाटा एलेक्सी बहुत ही शानदार कंपनी है, इसके ऊपर तो मेरा लगातार रिकमेंडेशन था इन्वेस्ट करने का, जो कि कुछ दिन पहले भी हमने देखा था ये शेयर ऑलमोस्ट 9,000 तक पहुंच गया था। उसके बाद हमने देखा मार्केट के अंदर बहुत बार गिरावट भी हुआ था, क्रैश वगैरह हुआ, तो शेयर के अंदर बहुत अच्छा खासा करेक्शन हो चुका था। नीचे की तरफ अगर हम बात करें, जो कि दो दिन पहले भी हमने देखा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 6,500, कहाँ 9,500 का शेयर 6,500 में आपको मिल रहा था। तो जो लोग इस लेवल पर बाई किया था उनका तो आज की डेट में पूरा एक दो दिन के मतलब अंदर ही आप देख सकते हो उससे कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो लोग 11 मई को बाई किया था, देखिए 6,500 रुपये के वहाँ पे आज के दिन पे ये ऑलमोस्ट 8,000 के करीब पहुँच गया, मतलब दो दिन के भीतर कहाँ से कहाँ शेयर खींच के लेके गया। तो यही होता है दोस्तों क्वालिटी शेयर में, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट गिरे हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्वालिटी शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। तो देखिए दो दिन के भीतर ही उनके पास करीबन 20% के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एकदम सही कंपनी है। लास्ट एक महीने पे जरूर गिरा बट 6 महीने पे देखिए काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया इतना वॉलेटाइल मार्केट के अंदर, 1 साल पे 126% का रिटर्न। और सबसे खास बात यह है कि देखिए ये ज़्यादा पुराने अगर हम बात करें तो कि मतलब पहले अगर हम बात करें तो शेयर के अंदर कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला था, बट स्पेशली लास्ट 5 साल से शेयर के अंदर देखिए काफ़ी अच्छा खासा हमें मोमेंटम भी देखने को मिला। तो लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, बट हाँ अभी नहीं, अभी मैं आपको बोलूँगा शेयर पहले स्टेबल होने दीजिए, जब शेयर स्टेबल हो जाएगा तब यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अंदर भी आज करीबन 5% का जंप लगा दिया ये न्यूज़ आने के साथ साथ, और आप देख सकते हो ये शेयर करीबन लास्ट 5 दिन से नीचे की तरफ ये शेयर भी गिर रहा था, ऑलमोस्ट 1238 तक पहुँच गया था, और आज की डेट पे देखिए एक ही दिन के भीतर सीधा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 महीने पे शेयर कोई खास रिटर्न नहीं दिया, 1 साल पे ठीक ठाक रिटर्न है, बट फिलहाल अगर हम बात करें देखिए बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने, तो मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूँगा कि टॉप बैंक जो है या तो HDFC में कीजिए या तो ICICI में कीजिए। बाकी अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक में, एक फायदा है कि आपका जो NPA रहता है बैंक का वो बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, जिस वजह से यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी खराब नहीं, मतलब बैंक खराब नहीं है, बाकी यहाँ पे आप खुद प्रॉपर एनालाइज करना उसके बाद इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिंदाल स्टील पावर, तो यहाँ से मैं आपको कंप्लीटली इग्नोर करने का ही राय दूंगा। इग्नोर क्यों करने का राय दूंगा, और आप देख सकते हो आज सुबह से तो काफ़ी अच्छा तेजी था शेयर के अंदर, अनफॉर्चुनेटली एंड के टाइम पे मेटल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ था, वेदांता बोलिए या टाटा स्टील देख लीजिए, भारी भरकम गिरावट हुआ था, तो शेयर नीचे आके क्लोजिंग दे भले ही कुछ भी अच्छे न्यूज़ आ जाए। लास्ट 1 महीने पे शेयर बहुत हद तक गिर चुका है, क्योंकि देखिए एक तो मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेक्टर होता है, दूसरा अगर हम बात करें देखिए कंपनी की हम बात करें, अगर आपको मेटल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो हमेशा टॉप कंपनी के अंदर कीजिए, या तो टाटा स्टील हो गया, JSW हो गया, ठीक है, वेदांता हो गया, ये सारे अच्छा कंपनी है। बाकी अगर हम बात करें ये शेयर भी आप देखिए लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल आपको देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको इग्नोर करने के रिकमेंड करूँगा। बाकी दोस्तों आप खुद प्रॉपर एनालाइज करना, स्टडी करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। तो वीडियो के पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।